घोसी लोकसभा में तीनों मुख्य दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बीच कल चौहान समाज के नेता के रूप में बालकृष्ण चौहान ने बसपा से दावेदारी ठोक दी है। कल उन्होंने दावा किया कि चौहान दलित सहित मुस्लिम हमारे पाले में आ चुके हैं। ऐसे में ओपी राजभर का शुरुआती बयान भी काफ़ी चर्चाओं में बना रहा, जहां उन्होंने कहा कि बीएसपी से मेरी बात हो चुकी है और वो नेता आ चुके हैं, उम्मीदवार आ चुके हैं। तो क्या बीएसपी और बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार के हिसाब से सब चल रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और घोसी लोकसभा से उम्मीदवार राजीव राय जी। कैसा सर चुनाव चल रहा है आपका? चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता के सामने एक बेसिक चीज़ ये है कि इस घोसी लोकसभा में जब भी कोई महामारी आई, कोई आपात स्थिति पात हुई, कोई घटना दुर्घटना या तो परिवार में हुई या समाज में हुई या जिले में हुई बड़े पैमाने पर, जो चेहरे आज चुनाव के मैदान में बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं वो कहीं नज़र नहीं आए। आप तो पत्रकार हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से पत्रकारिता हर मुद्दे पर करते रहे। आपके पास कोई आर्चाइव में, कोई आपके पास वो लाइब्रेरी में वो फुटेज है जहाँ ये लोग कोरोना में दवाई और ऑक्सीजन बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे, और बिनटोलिया में जो बाढ़ आया था और कटान हो रहा था कहीं मदद कर रहे थे, किसी एक व्यक्ति की मदद किए हैं? 10 साल बाद या 5 साल बाद जब चुनाव आएगा और चुनाव में अचानक आप अवतरित हो जाएंगे तो जनता के सामने भी, जनता के भी मन मस्तिष्क में वो बात रहेगी, वो चेहरा रहेगा जो उनके हर दुख सुख में साथ खड़ा रहा है। और जो जाति की राजनीति करते हैं वो भूल जाते हैं कि बीमारी, महामारी, मुसीबत जात पूछ कर नहीं आती, और राजीव राय ने किसी की मदद आज तक जात, धर्म और पार्टी पूछ कर नहीं किया है। जो लगातार यहाँ से मदद का एक चलता रहता है सिलसिला में रहूँ न रहूँ, जैसे एक संतोष राय जी हैं, उनका सिर्फ काम ही है गरीबों का इलाज कराना, बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने गोद लिया कोई मेरी बिरादरी के नहीं है, जिन बच्चों को मलेशिया से मंगाया कोई मेरी बिरादरी का नहीं है, जिन बच्चों को दुबई से मंगाया कोई मेरी बिरादरी का नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शादी करा रहा हूँ, जिनका इलाज करा रहा हूँ, शायद ही उसमें कोई मेरी बिरादरी का नहीं है। हम तो समाजवादी है, समाज के हर हिस्से की सेवा किए हैं, तो समाज के हर हिस्से से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। आप बार बार जाति और बिरादरी की बात कर रहे हैं। कल मेरी बसपा उम्मीदवार बालकृष्ण चौहान से बात हुई, उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि बसपा में चौहान के 3.5-5 लाख दलित समाज के वोट हमारे साथ है, जीत पक्की है, बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मैं बार बार बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार ये कर रहा हूँ कि बिरादरी की बात करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बिरादरी के साथ भी खड़ा नहीं किए, और ये बोल देना कि 50 लाख मेरे वोट है, 1 करोड़ मेरे उनके वोट है, तो बोलने में कुछ सरकार ने अभी तक मोदी जी ने टैक्स लगाया नहीं है। आपको भी जमीनी हकीकत अच्छा है पता है ना, बस गालिब है ख्याल अच्छा है, सच का अंदाजा तो उन्हें भी है। ये वोट प्लस वोट प्लस वोट, कोई ये नहीं बोलता कि मैं हमारी में लोगों के साथ था, मैं लोगों का इलाज करा रहा था, मैं मदद कर रहा था। एक आदमी जो आप बताइए, मैं तो सबूतों के साथ, और जो मैं बोलूँगा आपके पास ये उस फुटेज, क्योंकि आप लोगों ने कवरेज किया था, एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी को ये नहीं कहता है कि मैंने ये सेवा की इसलिए मुझे वोट दो। ये तो फिर जो अवधारणा है कि राजनीति में आगे बढ़ना है तो जनता के दुख सुख में भागीदारी करनी होगी, जनता की सेवा करनी होगी, जनता के साथ खड़ा हो, तो अवधारणा को ही ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों का न अपने समाज में स्थान है, न राजनीति में स्थान है, न किसी सदन में कोई स्थान है। राजभर राजनीति काफ़ी सक्रिय है इस बीच, देखिए कि ओपी राजभर की हालांकि माता जी गुजर गई है, लेकिन क्या लगता है कि एकाएक राजभर जो है कि इस क्षेत्र से अब दिख नहीं रहे हैं, क्या लगता है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी का निधन हुआ, हम सब के तरफ से मैंने उस दिन भी श्रद्धांजलि दिया था, आज पुनः हमारे विनम्र श्रद्धांजलि है। माँ सबकी माँ होती है। अब ये बात है कि वो अपने चुनावी फायदे के लिए हर बार बोल देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं, ये उनकी सोच है, लेकिन उनकी माँ मेरे लिए भी पूजनीय थी, उनके पिताजी भी मेरे लिए भी पूजनीय हैं। लेकिन सही है कि उनके गुजरने से पहले से ये लोग मैदान छोड़कर गायब हैं। मेरा जब से टिकट हुआ मैं यहाँ से कहीं नहीं गया, और उनके फ़ोटो कभी लखनऊ से आते हैं, कभी दिल्ली से आते हैं, कभी इस दरबार में, कभी उस दरबार में, तो उनकी बेचैनी, उनकी हताशा, उनकी निराशा हर जगह झलकती है। उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने समाज को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया है। उन्हीं के समाज के बच्चे विदेश में फंसे हुए थे तो हाथ उठा दिया, उन्हीं के समाज के बच्चे विदेश में मरे हुए थे तो हाथ उठा दिया, उन्हीं के समाज के बच्चे जब यहाँ अनाथ हो गए तो किसी के पास नहीं गए, तो उनको पता है कि उनका समाज भी उसी बच्चे के साथ है जो उनकी सेवा करता रहा है, तो शायद यहाँ से पलायन की तरफ है वो, जो मेरी जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर आपने कुछ दिन पहले लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा वोट हमारे साथ आ रहा है, ये कैसे आपको आश्वस्त हो गए?
मैंने ये तो नहीं शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेचारों की कहीं सुनवाई सरकार में नहीं है। आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कैमरा ऑफ करके पूछिए, एक दरोगा तक की बात उनकी बात नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है कि जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधि, चाहे चुनाव हो या न चुनाव, जरूरी नहीं कि जनता के बीच रहकर सेवा करने वाला हर व्यक्ति सांसद और विधायक हो जाए तभी उसकी बात सुनी जाए, उसके बाद शासन प्रशासन न सुने। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को भेज दे वो उसका इतिहास ही उनको गाली देने, जूते मारने की रही हो, तो उन बेचारों की पीड़ा को समझिए। उन लोगों से मेरी सहानुभूति है जिनकी अपनी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है और उनकी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को दे देती है जो उनकी माँ बहन को गाली देता है और उनको दौड़ा कर जूते मारने की बात करता है। तो भाई, इंसान तो वो भी हैं, भावनाएं तो उनके भी दिल में हैं। जब वो ये मशीन का बटन दबाए जाएंगे तो उम्मीद जरूर है कि उनकी माँ का चेहरा एक न एक बार उनके नज़र के सामने आएगा, उनकी अंतरात्मा कहेगी नहीं बेटा, इसने मुझे गाली दिया था, इसको ये वोट मत दो, तो अंतरात्मा तो उनकी भी जागेगी। दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने। मैंने सच्चाई बयान किया जी। क्या आप कहेंगे, आप पत्रकार, मैं विपक्ष के नेता नहीं है, भाजपा के नेता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप कहेंगे कि उन्होंने माँ बहन की गाली देकर जूते मारने की बात नहीं किया था? आपसे, आप पत्रकार हैं, कोई कितना भी बड़ा चैनल आपको कल बुलाए कि हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन एक वो वक्त हो गया जब आपकी माँ बहन को गाली देकर आपको जूते मारने की बात किया, क्या आप ज्वाइन करेंगे उसको? कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति नहीं करेगा। तो सच है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे तो एक बार माँ का चेहरा उनके मन मस्तिष्क पर जरूर आएगा, एक बार उनके कानों में गालियाँ जरूर गूंजेगी जो माननीय ओम प्रकाश राजभर्ष के मुखारबिंदु से निकले थे। इसलिए कोई आदमी उनको वोट नहीं देगा, उनकी जमानत जब्त होगी।